आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है अलॉटमेंट फार्मिंग या फिर अलॉटमेंट खेती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ कास्ट में। अगर आप यहां पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है अलॉटमेंट फार्मिंग और हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अजय मुरुडकर, जो काफ़ी सालों से यूके में अलॉटमेंट फार्मिंग करते हैं। अगर आप गार्डनिंग में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि अजय भाई ने काफ़ी सारे टिप्स हमारे साथ शेयर की हैं जो आप आपके घर के गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली वो तो बताइए, अलॉटमेंट है क्या चीज़ का? एक्चुअली जब मैं यूके में आया तो मेरा एक दोस्त था, यूके का सिटीजन था, तो उसके साथ मैं एक दो बार उसकी अलॉटमेंट में गया था। अलॉटमेंट मतलब आई थिंक इट अलॉटेड लैंड टू ईच यूके सिटीजन और अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूके सिटीजन। ओनली परमानेंट मेंबर ऑफ यूके सिटीजन सेटल सिटीजंस कैन गेट दिस बेनिफिट। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एवरी काउंसिल, हर एक काउंसिल का अपना अपना एरिया होता है और वो हर एक लोगों को अपने काउंसिल में देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे अलॉटमेंट है कि नहीं। तो स्लाव काउंसिल में एटलीस्ट 10 ऐसी जगह है इतनी बड़ी जहाँ पे लोग अपने खुद की खेती कर सकते हैं। ये लॉक्ड एरिया होता है और साल का 25 से 30 पाउंड, अभी मेरा जो अलॉटमेंट है वो 5 मीटर बाय 20 मीटर का है। हाफ, इसको हाफ बोलते हैं, फुल 10 मीटर बाय 20 मीटर होता है। तो उसका फुल का किराया लगभग 55 से 60 पाउंड होता है, साल का ही होता है। तो हर काउंसिल का सेम रेट होता है जनरली? नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। फैसिलिटीज क्या क्या देते हैं उसके हिसाब से। अभी यहाँ पे पानी हमेशा अवेलेबल होता है फुल टाइम, बट समर में लोग अगर पानी यूज़ करते हैं तो भरने को टाइम लगता है, पाइप यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाथ से ही पानी लेके देना पड़ता है। तो अजय भाई, आपने बताया हर काउंसिल, हर ब्रिटिश सिटीजन को ये अलॉटमेंट मिलता है, तो अपने आप मिलता है या अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, अप्लाई करना पड़ता है। मैंने भी इमीडिएटली नहीं मिलता है, वेटिंग लिस्ट होती है। मैंने 3 साल पहले अप्लाई किया, उसके बाद मुझे लगभग 3-4 साल लगे मिलने के लिए। जब तक तुम यूज़ कर रहे हो, काउंसिल तुमसे ये वापस नहीं लेगा। बट एक बार तुमने यूज़ करना बंद कर दिया और ऐसे ही, अभी इधर देखो ये बाजू वाले का है, ये यूज़ नहीं कर रहा है, अगर इसने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही गवत घास उगते गए, देन काउंसिल उनको वार्निंग देके उनसे वापस ले लेगा। ओके, तो एक बार आपको मिल गया अलॉटमेंट तो आपको इस पे काम करना ही करना। हाँ, एटलीस्ट वो बोलते 50% उपजाऊ जमीन करना चाहिए, 50% एटलीस्ट इन यूज होना चाहिए मिनिमम। तो उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं देखने के लिए? एवरी रेगुलर दो टाइम आते हैं साल में, एक बार जून में आते हैं जस्ट बिफोर ऑल द ब्लूमिंग स्टार्ट्स, अक्टूबर में भी आते हैं देखने के लिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये प्याज और ये लहसुन, यहाँ पे यूके में हम प्याज का दो बार फसल कर सकते हैं। दो बार सितंबर अक्टूबर में एक बार करो तो मई जून में मिल जाता है, और वैसे अप्रैल मई में करो तो अगस्त सितंबर तक वापस मिल जाता है। प्याज को ठंडी, फ्रॉस्ट और बर्फ का कुछ असर नहीं पड़ता है, मरता नहीं है। ये मेथी है, मेथी। खा के देख सकते हैं। ये मेथी सितंबर अक्टूबर में लगाई थी। बिल्कुल फ्रेश खेत में हम अभी अभी निकली हुई मेथी खा रहे हैं हम लोग दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। मार्केट में जो मिलती है उससे बहुत अच्छी है, फ्रेश। ये वाला पैच अभी आप देखो पूरा सूखा हुआ है, बिकॉज ठंडी में ये मर जाता है। ये पुदीना है। Okay. इसके अंदर जो उसके रूट्स है इधर, ये पुदीने के रूट्स, हाँ ये सब जिंदा है, अलाइव है। जब समर अप्रैल फेब्रुआरी एंड या मार्च में जब
सूरज आने लगता है, धूप बढ़ती है, तो अपने आप पुदीना आएगा, फिर ये पूरा जगह पुदीने से भर जाता है। लेकिन पुदीने के बारे में सुना है कि पुदीना बहुत जल्दी जल्दी फैलता है अगर हम उसको एक गमले में ना रखो, तो इसलिए मैंने, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने खड्डा किया है। अच्छा, इसके आजू बाजू में ट्रेंच है तो ये उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ जब भी मुझे लगता है बाहर आ रहा है तो मैं खड्डे से उसके रूट्स तोड़ देता हूँ, जितने हो सके उतना, क्योंकि आपका पूरा गार्डन पुदीना से भर जाएगा अगर आपने इसको। मुझे उसकी कल्पना है, इसीलिए मैंने ड्रेंच रख के रखा हूँ। अभी साफ सफाई करना है इसको, और खोद दूंगा मैं और क्लीन कर दूंगा, तो फिर पुदीना बिल्कुल रेडी, फिर ये सब तोड़ दूंगा मैं। अच्छा, इससे नया पुदीना अपने आप आ जाएगा। ये स्ट्रॉबेरी है, अभी ये पूरा एरिया खोद के हॉर्स मैन्यूअर खाद यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। अजय भाई, आप इतने एक्टिव हो सोशल लाइफ में, आप इतना SMM में इतने बड़ा काम करते हो, आपका IT जॉब है, तो इस सब के लिए आप समय कैसे निकालते हो? क्या आपके मोटिवेशन क्या है? आपके मोटिवेशन, मैं तो लोगों को मजाक में कहता हूँ कि मैं मेरे स्पेयर टाइम में करता हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं तेरा स्पेयर टाइम मतलब स्पेयर टाइम होता कब है? मुंबई से हूँ, मुंबई में मैंने एक भी मेरे पूरे, जब मैं यहाँ पे आया था मैं 27 साल का था, और जब अलॉटमेंट मिला मुझे तब मैं लगभग 30, अभी मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो मतलब 36 ईयर्स है स्टार्टेड दिस। तो उसके पहले ये मुंबई में 27 साल या 30 साल तक मैंने एक भी पौधा नहीं उगाया था। ओके, लिटरली मैं भी घर में भी नहीं किया था, बट यहाँ पे जब मैं देखा मेरे दोस्त को तो मुझे अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली इंडोर जिम पसंद नहीं है, जिम के अंदर जाके कसरत करो, तो ये जो अलॉटमेंट है इसे मैं आउटडोर जिम की तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ठंडी हो, बारिश हो, धूप हो, एकदम ठंडी हो, बर्फ़ गिरा हो, तो भी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। क्या बात, मैं अपने आप के लिए एक्सक्यूज नहीं करता अगर आज ठंडी है, तो वो एक दूसरा मोटिवेशन है। यहाँ पे यूके में वेदर, हवामान यहाँ का बहुत गंदा होता है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी ठंडी होती है, कभी भी धूप होती है, धूप गर्मी तो नहीं होती ज़्यादा, यहाँ पे एक एक दो दो डिग्री में भी आके मैंने खुदाई की हुई है। रात में अंधेरे में जब यहाँ पे अभी जैसे ठंडियों में 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो 6 बजे भी अंधेरे में भी आके टॉर्च लगा के खुदाई की हुई है, क्योंकि फिर क्योंकि एक बार अप्रैल में जून आ जाएगा जब दिन बड़े हो जाते हैं, तो तुमको सब प्लांट करना चालू करना चाहिए, तो इसलिए फिर उसके पहले सब जमीन रेडी अगर नहीं है देन डिले हो जाता है। एक बार डिले हो गया तो फिर यहाँ पे आई थिंक ग्रोथ सीजन इज़ ओनली जून टू अगस्त, तो वो 3 महीने ही है, वो 3 महीने का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए देन पूरा साल ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। पहले अजय भाई की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अजय भाई सीड से लेकर प्लांट्स तक पूरा खुद मैनेज करते हैं, इन्होंने कभी भी बाहर से पौधे नहीं लिए, सीड्स लिए आपने, आपने सीड्स भी एक्चुअली टमाटोज के यहाँ पे 10 प्रकार है, अलग अलग नाम होते हैं इंग्लिश के जो मुझे भी नहीं पता होता है, तो मैंने सबसे सिंपल किया जो घर में यूज करते हैं हम टेस्को वाले टमाटोज, उसको ही स्लाइस किए, उसको ही कंपोस्ट में डाल दिया, और फिर वो अपने आप उसमें से पौधे आ जाते हैं, फिर एक स्लाइस में से लगभग 50 पौधे आते हैं, एक टमाटर की स्लाइस एक स्लाइस से 50 पौधे आप कर सकते हो। तुमको यहाँ पे टमाटर उगाना है तो बहुत जल्दी, अभी एक्चुअली जनवरी एंड या फेब्रुआरी मिड में घर पे या ग्रीन हाउस में टमाटो को लगा दो, क्योंकि जब जून में मई एंड जून में तुम उसको बाहर निकालोगे अगर वो 1 फुट तक उसकी ऊंचाई यानी ग्रोथ हुई है देन यू कैन गेट लॉट्स ऑफ गुड फ्रूट्स फ्रॉम टमाटो। दूसरी बात अजय भाई, आप बताइए, अभी आपने हमको प्याज दिखाया, लहसुन दिखाया, ब्रसेल स्प्राउट्स है, स्ट्रॉबेरीज है, पुदीना है, और क्या है? लास्ट ईयर मैंने स्वीट कॉर्न, स्वीट मकई जो होती है ये यूके में मिलती है, उसके लगभग 20 पौधे लगाए थे। मकई में एक पौधे से 2 या 3 ही मकई मिलते हैं, तो अभी इस साल भी मुझे ज़्यादा लगाना है। बटा पोटैटोज, यहाँ पे पोटैटोज अच्छे तरह आते हैं, अगर ये जो जगह है इधर मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं सिर्फ खोद के सब इसका घास निकाल दूंगा और सिर्फ पोटैटो डाल दूंगा आधा फुट 1 फुट अंदर, तो अपने आप ये होते रहेगा, और अगस्त तक अच्छे पोटैटो, 1 पोटैटो से 1 किलो पोटैटो मिल जाते हैं लगभग। एक जो घर में जो पोटैटो का पोटैटो सीड अलग होता है? नहीं, नॉर्मल छोटा पोटैटो अपने घर में भी जो पोटैटो को स्प्राउट्स आते हैं तो वही पोटैटो यू कैन यूज एज अ सीड। अगर बड़ा पोटैटो है, बहुत सारे स्प्राउट्स आए, यू कट इट, मेक श्योर द स्प्राउट पार्ट ऊपर हो और उसको दो अलग अलग जगह पे लगा सके। छोटा सवाल मुझे है, आपने बताया प्याज करते हो, लहसुन करते हो, अभी आपने आलू बनाया, ये सब जो हार्वेस्ट आता है इसका आप करते क्या, आप खुद खाते हो या
नहीं, बेचने के लिए तो नहीं करते, खुद ही खाते हैं या फिर थोड़े मतलब आप बेच सकते हो? बेच सकते हैं। हाँ, तो आप जो भी आपका यहाँ पे हार्वेस्ट हो, जो भी आपने यहाँ पे उगाया है, आप मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ, बट अभी ये जगह इतनी बड़ी नहीं है क्या इतना। लास्ट ईयर मैंने प्याज बहुत किए थे, लगभग मुझे पता नहीं कितना, बट दो गोनी, जैसे अपनी जो नॉर्मल गोनी होती है, या फिर टेस्को की जो बड़ी ट्रॉली होती है, वो एक फुल ट्रॉली एंड हाफ, वन एंड हाफ ट्रॉली भर के जितने प्याज होते बड़े बड़े, उतने मैंने उगाए थे, और लगभग हाफ द ईयर अभी यूज हो गए आपको। आगे जाकर आपका क्या प्लान है? आगे अभी मेरी कितने साल तक करने का आपका? पता नहीं, मुझे तो करना है, जब तक कर सकूँ कर सकूँ। दिस इज आई थिंक मेरा वन ऑफ द हॉबीज विच आई एम कीपिंग, इवन दो घर से थोड़ा सा कभी कभी विरोध होता है, अरे यहाँ पे अलॉटमेंट दो दो घंटे जाके बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे पहले आते थे लेकिन बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं आते, बट अब एक बार थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मे बी वो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इस लाइक माई आउटडोर जिम, माई एक्टिविटी, मैं खुद के लिए टाइम, मैं यहाँ पे आता तो मैं ऐसा अकेला हूँ तो हेडफोन लगा दे गाना सुनते सुनते, या फिर कुछ कर रहा हूँ और फिर अपना खुदाई कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी 90% टाइम मैं अकेला ही होता हूँ इस एरिया में मेरे लिए, तो ये अपने खुद के लिए एक अलग टाइम मिल जाता है। कभी भी सुबह उठ के भी जल्दी आ जाओ, शाम को काम से आने के बाद भी आ जाओ, जैसे टाइम मिले वैसे आके अपने हिसाब से करना। तो आई थिंक जब तक कर पाऊंगा तब तक रखना ही है मुझे ये अलॉटमेंट। अभी तो आपने बताया कि ये हाफ अलॉटमेंट है आपके पास, अगर आपका मतलब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका जो भी हार्वेस्ट हो बहुत ज़्यादा आए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप यहाँ पर खेत खरीदने का प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट में, या फिर आगे जाकर? नहीं, आई थिंक प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं करना है मुझे, पता नहीं। और देखा हो मैंने यहाँ पे नज़दीक ही बहुत सारी मकाई की खेती है या सरसों की खेती है, और भी पता नहीं है बाकी भी होगी, लेकिन फिर आई थिंक खेती बाड़ी में पूरा प्रोफेशनली तो जाना नहीं है। ये क्या अजय भाई, व्हाट इज दिस? ये मल्च है बेसिकली, टू कवर द सॉइल, सॉइल को कवर करने के लिए, जिससे कुछ घास उगे नहीं। तो जैसे दो अलग अलग लॉट है जिसमें एक जगह पे टमाटर आ रहा है, एक जगह पे पीज आ रहे हैं, तो फिर इसको हम रास्ता जो होता है बिटवीन द प्लांट, वहाँ पे मैंने किया है, तो मल्च इधर डाल दिया है, तो यहाँ पे मतलब कुछ उगे नहीं वो हिसाब से, तो ये रास्ता है, इधर भी डालूंगा, फिर इधर डालना है, ऐसे जैसे जैसे अलग अलग सेक्शन होते हैं। हाँ हाँ, तो ये इजी होता है, ये फिर खाद भी हो जाता है। ये बेसिकली जो बड़ा बड़ा झाड़ होता है पेड़, हाँ हाँ, वो पेड़ को ही मशीन में डाल के उसको बारीक करते हैं। हाँ हाँ, तो पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ के ही धनिया है, और पेड़ का सब है, तो वो उसका बारीक चूरा हुआ भूसा है। हाँ हाँ, तो जब ये अपने आप सॉइल में मिक्स हो जाता है और एक खाद बन के भी आता है। तो अजय भाई ये बताइए, आपको काउंसिल की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है? काउंसिल की तरफ से मतलब ये एरिया लॉक्ड होता है तो वो अच्छा है, बाकी तो सपोर्ट मतलब यहाँ पे एक्चुअली शॉप है काउंसिल का नहीं है, बट जो लोग यहाँ पे 50 साल से 20-30 साल से कर रहे हैं उनका ही शॉप है, देख वो खुद ही सब चलाते हैं, तो यहाँ पे उनसे भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है। यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं, गोरे लोग, जिन्होंने अपने एटलीस्ट 15-20-30 साल इसमें डाले हुए हैं, तो उनसे भी बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं। कुछ जो अनाज होते हैं, पौधे होते हैं, जो जिनके बारे में पता नहीं होता है, तो उनको भी पूछ लेता हूँ मैं यहाँ पे, उनसे भी थोड़ी आइडिया ले लेता हूँ। तो आपके यहाँ पे जो नेबरिंग अलॉटमेंट्स हैं वो भी आपको थोड़ी बहुत जरूर है? ये वाला अलॉटमेंट ये पाकिस्तानी का है, एक लेडी है। अच्छा, ये आपका नहीं है? ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। तो ये मेरी यहाँ की लोकली है, वो बहुत मेहनत करती है, और उसने कहा है तुझे जो चाहिए कुछ भी ले लेना। कभी कभी जैसे मैं खुद टमाटो या कुछ अलग अलग प्लांट करता हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो मैं भी बाजू वालों को या किसी को देता हूँ, वैसे ही वो भी मुझे देते हैं। लास्ट ईयर मुझे एक नेपाली भाई है, उन्होंने रनर बीन्स के पौधे दिए थे, मैंने लगाए नहीं थे, मैंने डाल दिए, तो उसमें से इतने रनर बीन आए, ऑलमोस्ट 2 महीने तक एवरी सेकेंड थर्ड डे हम लोग 1.5 किलो या 1/2 किलो इतना रनर बीन्स निकलते थे। ओके, तो बिना कुछ किए इजीली जस्ट उन्होंने दिए, मैंने डाल दिए, सपोर्ट दे दिया, तो कुछ कुछ ऐसे इजीली मिल जाते हैं। है कि काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हो गए हैं, तो सबसे पहली स्टेप क्या करनी चाहिए उनको, अगर अलॉटमेंट अगर उनको चाहिए तो सबसे पहली स्टेप सबसे क्या पहले वो अपने काउंसिल में देखो, काउंसिल की वेबसाइट में अलॉटमेंट ढूंढो, अलॉटमेंट है कि नहीं, उनकी उनकी प्रोसीजर क्या है देख लो, अगर नहीं है तो कुछ कुछ नेबरिंग काउंसिल वाले भी होते हैं,
वो भी तुमको दे सकते हैं। हाँ, तुम भी लंदन में रह रहे हो लेकिन कोई ऑक्सफोर्ड साइड में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी काउंसिल में अलॉटमेंट अगर है तो यू कैन अप्लाई एट योर वर्क प्लेस बिकॉज यू आर वर्किंग देयर। यू कैन से बिफोर वर्क और आफ्टर वर्क, तुम्हारा घर है, हाउस है, बैक गार्डन है तो उसमें एक पैच तुम ऐसा बना सकते हो। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे हो जाएगा अगर आप गार्डन दो मीटर बाय दो मीटर एरिया में तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यू कैन गूगल नो डिगिंग ग्रोइंग, नो डिगिंग ग्रोइंग इज बेसिकली चार पांच प्लैंक ले लो, उसको उसके बॉर्डर बना दो, नीचे ब्लैक शीट डाल दो और एक दो फुट तक कंपोस्ट या रेडीमेड सॉइल मिलती है वो डाल दो और फिर वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। या फिर बड़े बड़े ये वीट्स है, वीट्स ये एक अलग पर तरीके का घास का प्रकार है जो बढ़ते जाता है। जो भी आप वीट्स निकालते हो, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है आपके गार्डन से, वो सब इसमें डाल के सब पत्ते बीतते सब सीधे यहाँ पे डाल देते हैं। अजय भाई आपका दोस्त या किसानों के दोस्त, तो जो हॉर्स मन्योर है अभी आप देख रहे हैं, हॉर्स मन्योर है तो हॉर्स मन्योर का क्या मतलब होता है? घोड़े की लीद। हाँ, घोड़े की लीद या घोड़े की लीद बेसिकली। यहाँ पे गाय की लीद नहीं मिलती? गाय की लीद इतने इजीली नहीं मिलती है, ये हॉर्स मन्योर हमको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है क्योंकि हमने यहाँ के जो लोकल तबेला है हॉर्स का उनसे हमारी दोस्ती है, हमारे जो अलॉटमेंट वाले तो जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है उतना ही हम पे करते हैं, बाकी पूरा जो हॉर्स मन्योर है एवरी टू थ्री मंथ्स वो ला के दे देते हैं। और जो मेंबर्स है यहाँ के अलॉटमेंट के, ये हॉर्स मोर ग्रीन लैंगली अलॉटमेंट है उसके मेंबर्स होते हैं, सिर्फ 4 पाउंड साल काम करते हैं। हाँ, 4 पाउंड में कितना जितना चाहिए उतना हॉर्स मन्योर और मल्च हम यूज़ कर सकते हैं, जितने ज़्यादा है उतना अच्छा होता है। सही बात है, यस, किसानों के दोस्त है वो, किताबों में पढ़ा था हमने, देख भी रहे हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग या खेती करना चाहते हैं तो आपको ये मन पक्का बनाना पड़ेगा कि ये घोड़े की लीद ऐसे आप इसको मत देखो, आप इसको ऐसे एज अ खाद देखो, ये आपके प्लांट्स के लिए है और इसमें से कुछ बदबू भी नहीं आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये बदबूदार है या फिर ये गंदा काम हो रहा है, ये सब आपके प्लांट्स के लिए और आपके गार्डनिंग पैशन के लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे यूके में एक वेबसाइट फेसबुक ग्रुप है अलॉटमेंट्स इन यूके। हाँ, अगर आपको ज़्यादा जानकारी या रेगुलरली कुछ इन जानकारी चाहिए तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अलॉटमेंट्स इन यूके। उसमें ऑल ओवर यूके के जितने भी अलॉटमेंट वाले हैं वो सभी वहाँ पे है, वो अपने सवाल डालते हैं, उनको कोई नए होते तो अपने सवाल जानते हैं, फिर बहुत सारे अनुभवी लोग वहाँ पे हैं तो आपको वो हेल्प भी करते हैं। ऐसे लोकल फेसबुक ग्रुप्स हैं तो आप और जानकारी ग्रुप ज्वाइन करके पास, या कभी कभी कुछ पौधा आ जाता है आपको पता नहीं ये क्या है तो लोग फोटो डालते रहे ये मेरे अलॉटमेंट में अभी आया है, ये क्या है पता है, वीड है या फिर कुछ काम का है, तो लोगों को पता होता है वो बताते हैं तो फिर इसके हिसाब से नए नए लोगों को वहाँ पे जानकारी मिल जाती है इजीली। अजय भाई क्या कर रहे हैं अब? अभी ये ब्रसल स्प्राउट के लिए इनका सीजन दिसंबर में ख़त्म हो गया था लेकिन मैंने निकाले नहीं थे थोड़े, तो अब अभी ये मर जाएंगे पौधे? हाँ ये मर जाएंगे या फिर इसमें से सीड्स आएंगे, सीड्स ये जो बाकी पौधे अभी देखो ये ब्रसल स्प्राउट्स खुल गए, पत्ते आ गए, नहीं तो ये ऐसे होते हैं, इनको मैंने निकाला नहीं तो ये पत्ते, तो अभी इसमें अगर इसको ऐसे रखेंगे तो इसमें से सीड्स आ जाएंगे। अभी हम जो कहते हैं वो स्लग बेसिकली ये कुछ जो खाया हुआ है वो यहाँ के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या स्लग्स होते हैं तो वही खाते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना कि उनको भी तो ज़रूरी है खाद मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, तो मैंने अभी तक 4 साल में कभी भी कोई कीटनाशक यूज़ नहीं किया हुआ है। अरे बहुत अच्छी, तो ऑर्गेनिक होता है उनको भी कभी कभी, अभी वहाँ पे कुछ आलू देखेंगे आप, आलू ऐसे रखे थे तो वो आलू उनके लिए रखे थे मैंने। अच्छा, वो भी खा लो। मुझे लगा स्लग्स बहुत परेशान करते हैं जो अलग गार्डन में भी हो या खेती में भी हो, क्योंकि वो सारी आपकी जो भी फसल है वो पूरी खा सकते हैं। नहीं करते, बहुत परेशान करते हैं। गए साल
मैंने लगभग 100 सनफ्लावर के प्लांट लगाए थे, 100। हाँ, ओके। उसमें से 80 स्लग ने खा ली। मतलब तो, आप कुछ नहीं कर पाए हो। तो थोड़ा तो उन सपोर्ट उनको एटलीस्ट मेक श्योर कि वो आए नहीं उस प्लांट के आजू बाजू। फिर वैसे ही मैंने मेरी गोल्ड जो होते हैं गेंदे के फूल, वो गेंदे के फूल तो इतने आई थिंक उसके पत्ते भी इतने मीठे होते हैं स्लग स्लग के लिए, वो पूरा पौधा हो गया होगा तो भी उसको स्लग खा लेता है। तो उनके लिए उनको बचाने के लिए तो स्लग तो नेचुरल उपाय भी है, बियर रख दो आप कैन में छोटा फ्लैट उसमें बियर अल्कोहल ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बाउल में तो वो स्लग बियर की स्मेल को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उसमें जाके पर जाते हैं। तो वैसे मैंने किया था छोटे छोटे बाउल में 10-10 स्लग आके मरे हुए। यहाँ पे स्लग पैलेट भी मिलते हैं, वो स्लग पैलेट अगर आप डाल दो तो स्लग पैलेट से वो मर जाते हैं। लेकिन उसमें केमिकल होता है ना स्लग थोड़ा होता है आई थिंक, मैंने सुना है कि बैन हो रहा है यूके में वो। अच्छा। पता नहीं पूरी तरह से बैन हुआ कि नहीं, बट फिर थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते जहाँ पे तुमको पता है स्लग आने नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। अभी 2-3 दिन के लिए घर में सलाद और उसके लिए ये लो एक और आपके लिए। अजय भाई ये दो बड़े बड़े ड्रम्स में क्या रखा हुआ है, पानी है क्या है इसके अंदर? नहीं ये इसमें तो ये कंपोस्ट का है, ये उल्टा होता है तो नीचे ये डायरेक्टली जमीन से भी सटा हुआ है। ये हरा कलर है मतलब ऑल ग्रीन कंपोस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने अभी पत्ते वगैरह वहाँ पे डाल दिए वो सब इसमें आप डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और जो अगर प्रॉपर होता है तो उसमें इसका घुमाने का भी होता है। अच्छा अंदर ऐसा मिक्स करो, मिक्स कर सकते हैं। इसमें आप बाकी थोड़ा मार्केट वाला कंपोस्ट होता है वो डाल दो तो अपने आप फटाफट फर्टिलाइज होके रेडी होता है। और इसमें मे बी ऑल घर में भी जो अपना किचन में होता है वेट कचरा सब सब्जियां कटी हुई है बाकी सब, तो इसको भी मिक्स करके रखूँगा। अभी और 2 साल तो लगेगा यूज़ करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी ठंड है, इतनी हवा चल रही है, फिर भी अजय भाई की हिम्मत देखो वो बिल्कुल कम नहीं, उनके बोल नहीं पा रहे लेकिन वो काम करते रहे हैं। अजय भाई आपको हैट्स ऑफ, इससे ठंड में भी पसीना निकलता है बाहर आके। आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेस इन यूके लाइक इफ आई कम इन 1 or 2 degrees और माइनस डिग्रीज एंड स्पेंड 30 मिनट्स आई एम स्वेटिंग कम्प्लीटली इनसाइड। तो पूरा 2-3 लेयर पहने हुए होते हैं कपड़ों के ठंडी की वजह से कान पे, और लेकिन फिर अंदर से पसीना निकलता है तो एक सुकून मिलता है, अरे वाह चलो आज अभी पसीना निकला है। उसको अंदर से वो चाहत होनी चाहिए पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वो आप में है बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ का जो शॉप है यहाँ पे जो सुविधा है उसमें बाथरूम भी है, टॉयलेट्स दो टॉयलेट्स हैं जो नॉर्मली समर में पूरा टाइम ओपन होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो आपको टॉयलेट की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। स्टोरेज भी है जहाँ पे लॉक एरिया है, जो पुराने लोग हैं उनके पास ये है, तो बड़े बड़े टूल्स अच्छे अच्छे औजार यहाँ पे रख सकते हैं अगर आपके पास स्टोरेज एरिया है तो। मेरे पास स्टोरेज एरिया नहीं है, पुराने लोगों के पास ही है। ये शॉप है अभी पूरा खुला नहीं है बट आई थिंक यहाँ पे आप अंदर आ सकते हैं। पोटैटो के सीड से मार्केट में 2.5 pound किलो मिलते हैं, यहाँ पे 1 pound 20 pence मिलते हैं। और बिजी है ऑनियन से and the red ones, the Indian ones, ये ऑनियन सेट्स होते हैं। एक ऑनियन से इतना बड़ा ऑनियन बनता है तो इसमें भी लगभग कितने आई थिंक 100 के ऊपर होगी, लिखा नहीं है इन्होंने वेट लिखा है बट लगभग 100 के ऊपर होते हैं। तो 2 pound के अंदर ही ये है, 2 pound के अंदर बेसिकली तुमको 200 ऑनियन मिल जाते हैं। ये अपने रेड ऑनियन है जो इंडियन स्टाइल होते हैं, थोड़े थोड़े थीके टाइप जिसमें तो ये है सीड्स और ये उसका प्रोडक्ट बनता है। Thank you.
भाई अभी अपना सीड्स का खजाना निकाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनके पास क्या है। अजय भाई बताइए क्या है, क्या धनिया है? धनिया, कोरिएंडर, ये ग्रीन पीस है। लास्ट ईयर मैंने जब ग्रीन पीस उगाए थे तो थोड़े मैंने जो पॉट्स होते हैं वो सूखने के लिए रख दिए थे, तो इससे मुझे यही अभी सीड्स रेडी है। ये इतने सारे, ये सबसे, इनका सबसे बेस्ट है, ठंडी में भी आ जाते हैं, तो अभी भी मैं अगर लगा दूँ तो ये बढ़ जाएंगे और फिर बेसिकली मार्च अप्रैल तक इसके पॉट्स भी आने को शुरू हो जाएंगे। तो ग्रीन पीस आप इसको विंटर में भी, इनको फ्रॉस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ईजीली आ जाते हैं। तो ये सीड कॉर्न को भी सुखा के रखा है, तो अभी यही सीड्स करके यूज़ होंगे जो अच्छे अच्छे हैं। वो सनफ्लावर सीड्स, तो दे आर एक्चुअली ग्रोन फ्रॉम सनफ्लावर, तो ये खा भी सकते हैं आप सीधा, अच्छे सलाद में वगैरह डाल सकते हैं। और बाकी अभी नए सीड्स भी लेके आया हूँ मैं इस साल के लिए, रनर बीन्स, ये ऑनियंस होते हैं जो सीड से भी आते हैं ऑनियंस, ये सबसे एकदम आई थिंक कितना है, एक या दो पाउंड की मिलते हैं या 50 रुपये के भी मिलते हैं लीडल में, इसमें 100 के 150 के ऊपर वो है। इसको आप एक सीड से एक ऑनियन आता है, एक सीड से एक ऑनियन आता है। तो इसको आप बेसिकली कंपोस्ट में ग्रो करो और लगभग 3-4 सेंटीमीटर बढ़ जाए, देन बाहर ट्रांसप्लांट करो। स्वीट कॉर्न सीड्स, कुकुम्बर सीड्स, देन दिस रेडिश, रेडिश दीज आर वेरी फास्ट, एक महीने के अंदर इतने बड़े बन जाते हैं, सो यू कैन यूज़ इट इमीजिएटली। ये थोड़े लंबे वाले रेडिश है, ये राउंड वाले हैं। फिर वैसे ही फ्लावर्स भी है और गेंदे के भी फूल, बेसिकली अभी जैसे अपने त्यौहार होते हैं अलग अलग, तो उसके लिए गेंदों की अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपनी मेथी अपने जो घर की मेथी होती है वही यूज़ करते हैं मेथी के लिए। सरसों का भी कर सकते हैं, मस्टर्ड अपनी थोड़ी अलग तरीके की मस्टर्ड सीड्स होती है, नॉट रेगुलर वन, तो वो यूज़ करके मस्टर्ड पॉट्स मिलते हैं और उसको भी तुम निकाल सकते हो। पेपर है, चिली है, रेड वन उसका सीड्स है, लाल मिर्च, एक कैरेट सही वाला, गाजर के सीड्स, तुलसी है, एक्चुअली ये सीड्स नहीं है, अगर इसके नीचे काले काले छोटे छोटे इसके अंदर होते हैं, कड़ी पत्ते के सीड्स हैं, वो कहते हैं राख में अगर रखोगे तो अच्छी तरह से उसका जर्मिनेशन हो जाता है। दिस इज एक्चुअली सीड। तो अगर आपके इंडिया में आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा है बड़ा वाला, उसमें से एक ब्लैक कलर का निकलता है, तो उसको फेंकना मत, वो कड़ी पत्ते का सीड्स होता है। अजय भाई आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताते हो, आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को या कुछ व्यूअर्स को कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई, या फिर फेसबुक पेज, या फिर कोई आपका पेज है कहाँ पर? अभी तक तो मैंने अलॉटमेंट का पेज अलग किया नहीं है, बट यूट्यूब में मेरा नॉर्मल चैनल है, थिंक @ajaymurud का टैग कर दो तो मेरा चैनल पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन आई कैन रिप्लाई बैक। वैसे आपको फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव है राइट, तो आप इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए या फिर इनको फॉलो कीजिए, ये आप या फिर जो भी आपके सवाल हैं आप इनको भेजिए गार्डन के या अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, तो ये आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू अजय भाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल लाइफ कास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर अलॉटमेंट फार्मिंग या जनरल गार्डनिंग के बारे में आपके कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पोस्ट कीजिए, हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।